सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। महात्मा गांधी ने कहा था, नशा आत्मा और शरीर दोनों का नाश करता है। वे समाज को नशा मुक्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। विडंबना यह है कि आधुनिक भारत में शराब ही नहीं दूसरे नशीले पदार्थों का इस्तेमाल भी काफी बढ़ गया है। समाज का हर वर्ग का कुछ हिस्सा, चाहे वह कॉलेज के छात्र हो, स्कूल के छात्र हो या सेलिब्रिटी, नशे के गिरफ्त में है। नशे के दुष्चक्र से नशा करने वाला व्यक्ति ही नहीं, उनका परिवार और उनका समाज भी प्रभावित होता है। जैसे रोड में गुटखा खाकर थूकने से गुटखा खाने वाला व्यक्ति तो प्रभावित हो रहा है, पर थूक से फैलने वाली बीमारियों से दूसरे व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं। इसी तरह से सिगरेट पीने से व्यक्ति तो प्रभावित होता है, परंतु सिगरेट के धुएं से आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं, जिसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। नशे के इस महादानव से निपटने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान भारत के 272 जिलों में शुरू किया है। नशा मुक्त भारत अभियान और नशे से जुड़ी मानसिक समस्याओं पर बातचीत के लिए आज हमने स्टूडियो के फोन लाइन से संपर्क किया है डॉक्टर प्रगति पांडे जी को, जो कि सहायक प्राध्यापक एवं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास संस्थान सीहोर मध्य प्रदेश में। डॉक्टर प्रगति जी नमस्कार, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रगति जी, क्या मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और मादक पदार्थ, मादक द्रव्यों के उपयोग की आदतें अक्सर एक साथ होते हैं? बिल्कुल, इसको एक साथ माना जा सकता है। अगर हम मनोचिकित्सा और मनोविज्ञान के संदर्भ में देखते हैं तो हम मादक द्रव्यों के सेवन को एक मानसिक बीमारी के तौर पर देखते हैं जी। आप देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो वर्गीकरण है बीमारियों का, उसमें मादक द्रव्यों, अलग अलग तरह के मादक द्रव्यों के सेवन को मानसिक बीमारी के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। तो ये दोनों हमारे तौर पर एक ही समस्या है। सामाजिक तौर पर इसको अलग अलग देखा जाता है, लेकिन चिकित्सकीय तौर पर ये दोनों एक ही हैं। डॉक्टर प्रगति जी, नशा क्या है, लोग किस किस प्रकार से नशा करते हैं? नशा जो है, अगर हम देखते हैं तो नशा का मतलब आम तौर पर, आम भाषा में जो हम कहते हैं कि किसी तरह की आदत पड़ जाना। जब हम मनोचिकित्सा और मनोविज्ञान की दृष्टि से इसको देखते हैं तो हम पाते हैं कि अगर किसी मादक द्रव्य या मादक पदार्थ पर आपकी शारीरिक और मानसिक निर्भरता है, शारीरिक निर्भरता का अर्थ ये हो गया कि आपका शरीर उस मादक द्रव्य के बिना रह नहीं पा रहा है जी। अगर आपने वो मादक द्रव्य नहीं लिया तो आपके अंदर बहुत सारी शारीरिक समस्याएं हो रही हैं, जैसे आपको नींद का नहीं आना, भूख का नहीं लगना, या बहुत बार मिर्गी के दौरे आते हैं, पसीना आना, आंखों में जलन होना, इस तरह की चीजें होती हैं। आपकी मानसिक निर्भरता को अगर हम देखते हैं तो आप मानसिक तौर पर उस चीज के बिना रह नहीं पा रहे हैं, यानी कि आपको बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है, आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है अगर आप वो चीज नहीं ले रहे हैं, आप दुखी महसूस कर रहे हैं अगर आप मादक द्रव्य नहीं ले रहे हैं जी। तो इस तरह से अगर आपकी निर्भरता है किसी मादक द्रव्य पर तो हम उसको नशे की कैटेगरी में लेते हैं। डॉक्टर प्रगति जी, 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान भारत के 272 जिलों में शुरू किया गया है, इस अभियान के बारे में बताइए। ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय एवं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसका, उन दोनों की तरफ से जो है ये चीजें की गई हैं। 272 जिले पूरे देश में, जिले जो जहाँ पर इस तरह की समस्या ज्यादा है, जैसे कि इसमें छत्तीसगढ़ में भी रायपुर भी इसमें चिन्हित है। एक तो ये है कि चिकित्सकीय तौर पर हम लोग इसका ध्यान देंगे या केंद्र के तौर पर कि किसी संस्थान में अगर किसी को समस्या है तो वो आ रहा है। दूसरा, इस अभियान की एक मुख्य बात ये है कि इसमें कम्युनिटी लेवल पर जाकर, सामुदायिक तौर पर जाकर के और लोगों को जागृत करना नशा के सेवन न करने के लिए, उनको मोटिवेट करना, उनको प्रेरणा देना कि वो किसी तरह का नशा न करें, तो ये इसका मुख्य केंद्र है कि हम लोगों के पास जाकर बताएंगे कि नशा करना कितना हानिकारक हो सकता है, बजाय इसके कि हम इंतजार करें कि लोग हमारे पास आए और हम उनका इलाज करें। इस दिशा में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों तक पहुंच किस तरह से बना रहे हैं? कि पहुंच बनाने के लिए जो छोटे छोटे चंक्स हैं, जैसे मैंने बताया कि आंगनवाड़ी, वहां तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है ताकि हम लोगों को
अवेयर कर सके कि नशे के शारीरिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, नशे के मानसिक प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो इस तरह के प्रयास, छोटे छोटे स्तर तक पहुंचने के जो प्रयास है वो सरकार कर रही है इस अभियान के माध्यम से। इसमें स्कूल के स्टूडेंट्स को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसमें कार्यालयों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो हर वर्ग को इसमें जोड़ने की कोशिश की जा रही है जिससे, और आपको पता है कि नशा अभी इस समय हर वर्ग की समस्या है। तो इस अभियान के माध्यम से सरकार हर वर्ग तक ये पहुंचाना चाह रही है अपनी बात कि नशा कैसे हानिकारक हो सकता है देश और समाज के लिए। डॉक्टर प्रगति जी, लोग आखिर नशे की गिरफ्त में कैसे आ जाते हैं, जबकि प्रारंभ से ही नैतिक शिक्षा और आए दिन प्रचार माध्यमों से इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि कैसे आ जाते हैं जी, क्योंकि हम लोग शुरुआत से पढ़ते हैं कि नशा जो है हानिकारक होता है जी। अगर आप सिगरेट का पैकेट खरीदे या गुटखा खरीदे तो उस पर भी चित्र बने होते हैं। हर जगह हम देखते हैं कि अभियान के माध्यम से सरकार भी हमको, परिवार, समाज सभी हमको ये कहते हैं कि बताते रहते हैं कि नशा कितना हानिकारक है। देखिए, नशे में आने के कारण जो होते हैं उसको हम तीन तरीके से देख सकते हैं। एक तो आनुवंशिक कारण हो सकते हैं, तो आनुवंशिक तौर पर यानी कि आपके परिवार में किसी को नशे की समस्या है तो उस परिवार में आगे आने वाले जो पीढ़ी है उसमें नशे की समस्या हो सकती है। दूसरा, हम इसको वातावरण कैसा है हमारे परिवार का, यानी कि अगर कोई नशा ले रहा है तो आनुवंशिक कारण तो हो ही सकता है। साथ में जो घर में एक छोटा बच्चा है वो शुरू से देख रहा है कि घर में नशे की आदत है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई पान खा रहा है, यानी कि उसके परिवार में वो चीज एक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य है, तो वो भी ये नहीं समझ पाता है। भले उसको समाज बताए, उसके स्कूल में ये चीजें बताए, लेकिन अगर उसके घर में समाज की प्राथमिक इकाई है जो हमारा परिवार, अगर वहां पर ये चीजें हैं तो वो इस चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि हमारे लिए ये सही है या गलत। और जब उसके माँ बाप ही लिप्त होते हैं तो उसको लगता है कि ये शायद बेहतर, तो वो नशे की गिरफ्त में आता है। इसके अलावा जो है बहुत सारे सामाजिक कारण भी होते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत सारी कम्युनिटी या बहुत सारा कुछ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस से लोग बिलोंग करते हैं वहां पर क्या होता है कि नशे को बहुत अच्छा माना जाता है लेना, है ना, ट्राई करते हैं हम। दूसरा, ऐसा भी होता है कि आपके आसपास इतने लोग नशा लेने वाले हैं कि आप उस चीज से बच ही नहीं पा रहे जी। अगर एक कॉलोनी है या एक मोहल्ला है जहाँ पर 50-50 घरों में, 50 में से 49 घरों में अगर नशे की आदत है लोगों को, वो चीज वहाँ इजिली अवेलेबल है, हर दिन सुबह शाम आप उस चीज को देख रहे हैं, तो ये एक वातावरणीय और सामाजिक कारण बनता है नशा लेने। डॉक्टर प्रगति जी, कोई व्यक्ति नशे की गिरफ्त में न आए इसके लिए क्या करना चाहिए? नशे की गिरफ्त में न आए तो सबसे पहले, जिसे आमतौर पर हम ये मानकर चलते हैं ना कि हम नशे की गिरफ्त में आ ही नहीं सकते, है ना, तो सबसे पहले तो हमको ये मानकर चलता है कि जैसे कोई भी एक बीमारी किसी को हो सकती है। आप ये कह सकते हैं क्या कि आपको हार्ट डिजीज नहीं हो सकती है, है ना? हम ये कह सकते हैं क्या कि ये अमुक बीमारी हमको नहीं हो सकती है? हम नहीं कह सकते हैं। तो अगर हम इसको डिसऑर्डर तौर पर लेते हैं तो सबसे पहले ये मानना कि हम नशे के आदि नहीं हो सकते हैं, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें हम कब नशे के आदि हो जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। हम तैयार नहीं रहेंगे अपने आप को उस चीज से बचाने के लिए। पहले तो ये सोचना कि हाँ, हमारे साथ भी ये घटित हो सकता है, ताकि हम अपनी स्ट्रैटेजी, रणनीतियां भविष्य में बना करके रखें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं और वो ये स्टूडेंट ये सोच रहा है, विद्यार्थी, कि मैं नशे का आदी नहीं हो सकता हूँ, तो वो अपनी कोई रणनीति नहीं बनाएगा। किसी दिन उसके फ्रेंड उसके कमरे पर आए और किसी ऐसी तरह का ड्रग, जो है कई सारे ड्रग या नशा ऐसे होते हैं जिनमें जिनका एक बार का उपयोग ही आपको उसकी आदत में गिरफ्त मिला देता है, तो ऐसा उसके साथ होगा और वो नशे की गिरफ्त में आएगा। तो यानी कि वो प्रिपेयर नहीं था। तो सबसे पहले तो आप प्रिपेयर रहें कि आपको इस चीज से बचना है, आप अपनी रणनीतियां निश्चित करके रखें कि आपको कैसे बचना है, तो आप नशे की गिरफ्त में नहीं आएंगे। दूसरी ये चीज है कि अपने को सृजनात्मक कार्यों में लगाना, कि हम अपने आप को ऐसे प्रोडक्टिव कामों में अगर लगाकर अपनी व्यस्तता को निर्धारित कर रहे हैं तो हम किसी भी तरह के नशे या किसी भी ऐसी तरह की चीजें जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है उसमें हम लोग पढ़ नहीं। तो ये अपने अपने रिश्तों को बेहतर बना करके रखना, आपके आसपास, आपके परिवार में, आपके समाज में जो आपके रिश्ते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करते हैं इन चीजों से बचाने के लिए जी। तो
उसको हमको बेहतर बनाकर रखना, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग नशे की गिरफ्त में स्ट्रेस या किसी मानसिक परेशानी के बाद आते हैं। नशा तो क्रिएट करता ही है मानसिक परेशानी, लेकिन मानसिक परेशानी होने की वजह से नशे की गिरफ्त में आते हैं। तो अगर उस समय हमारा परिवार, हमारे परिवार के लोग, हमारे दोस्त मित्र हमारे आसपास होते हैं, तो वो हमें मानसिक बीमारी से निकलने में मदद करते हैं, ताकि हमें किसी और चीज का, यानी कि नशा या किसी और चीज का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपके अलावा ये है कि आपकी जो कोपिंग स्ट्रैटेजीज है, से हम अपने आगे आने वाली समस्याओं से लड़ते हैं, आपको उनको भी बेहतर बनाते रहना। इसके अतिरिक्त एक और चीज है जिससे हम नशे से बच सकते हैं, और वो है कि हम जो है अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर रखें। हम अपनी जो डेली रूटीन है उसमें एक्सरसाइज को लेकर के आना, योग, प्राणायाम, इन चीजों को, अपना हेल्थ जो है हमारा शारीरिक, हमारे पोषक तत्व है, उन चीजों का हम ध्यान रखें, तो हमें किसी तरह और बीमारी होने का चांसेस नहीं रहेंगे, और उन चीजों से बचने के लिए हम नशे की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक। एक और चीज बहुत आवश्यक है कि हम अपने आसपास के समाज में क्या हो रहा है उसको हम जरूर ध्यान रखें। क्या हमारे आसपास में ऐसे लोग हैं जो नशे की गिरफ्त में हैं? हम उनको बाहर निकालने की कोशिश करें, और साथ ही हम अपनी रणनीतियों को निश्चित करें कि हम कैसे इस चीज से बच सकते हैं अगर हमारे आसपास की चीजें। प्रगति जी, अभी हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है। लोगों को कहा जा रहा है कि ड्रॉपलेट्स से खांसने या छींकने से, थूकने से यह बीमारी फैलती है। साथ ही विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि मद्यपान, शराब के सेवन से शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाती है। क्या नशे के सभी सामान हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देते हैं? देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपका बहुत ही मतलब सटीक है ये सवाल। बिल्कुल, ये चीजें अगर हम नशा करते हैं, जैसे अगर हम लोग आजकल लोगों को कोरोना से बचने के और मानसिक समस्याओं से बचने के जो उपाय बताते हैं, उसमें ये भी आता है कि आप नशे की चीजों से दूर रहें, इवन कॉफी ही क्यों ना हो। तो कोई भी ऐसी नशे की चीज जो आपकी चेतना की अवस्था को बदल रही है, चाहे वो जरूरत से ज्यादा चाय या कॉफी ही लेना क्यों ना हो, उनसे दूर रहना हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। अब इस समय पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि आप गुटखा खा के थूक रहे हैं, वो भी जो है फैला सकता है, तो बेहतर ये है कि हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर, अच्छा बना करके रखें, मजबूत बना करके रखें अपनी सुरक्षा प्रणाली को। उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम शराब और किसी भी तरह के और मादक द्रव्यों के सेवन से बचें, क्योंकि मादक द्रव्यों का सेवन जो है वो केवल आपको शारीरिक तौर पर कमजोर नहीं कर रहा है। नशे की हालत में किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपके चेहरे पर मास्क लगा है या नहीं लगा है, आप कहाँ थूक रहे हैं, किन चीजों को छू रहे हैं, किन लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, ये आप निर्धारित नहीं कर पाएंगे जब आप नशे की हालत में होंगे तो, और आप असावधानी बरतेंगे, तो ये बहुत बड़ा कारण होगा अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो उसका। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इससे दूर रहें। तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, इन दोनों के लिए ये आवश्यक है कि हम किसी भी तरह के मादक द्रव्यों के सेवन से अपने आप को दूर रखें। डॉक्टर प्रगति जी, आजकल देखा जा रहा है छोटे छोटे पाउच में गुटखा मिलता है जिसे कई लोग खाते हैं, क्या यह भी एक नशा है? यह शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है? इस प्रवृत्ति को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, इसमें सवाल के कई सारे आपके हिस्से हैं। पहला तो ये है कि क्या ये एक नशा है? बिल्कुल ये एक नशा है जी। क्या ये हानिकारक है? जी, हानिकारक है जी। आमतौर पर अगर हम देखें तो चिकित्सकीय टर्म में गुटखा खाना, पाउच में जो गुटखा मिलता है, जो मसाला मिलता है, ये खाना तंबाकू के किसी भी और फॉर्म को लेने से ज्यादा खतरनाक है। ये लगभग 3 से 4 हजार तरह के केमिकल का मिक्सचर होता है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि वो पूरी 4 हजार तरह के रसायनों का जो है मिक्सचर हो सकती है जी। और उसमें से 10% से ज्यादा जो चीजें होती हैं वो कार्सिनोजेनिक होती हैं, यानी कि आपके अंदर कैंसर पैदा करने की प्रवृत्ति रखती है जी। तो ये बहुत ज्यादा हानिकारक है। अगर आप तंबाकू ले रहे हैं वो कम हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर मिलावट नहीं है, ये प्योर फॉर्म है तंबाकू का जी। लेकिन इसमें तंबाकू के साथ साथ और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है जी। अगला जो इसमें आपका सवाल था कि इसको कैसे छोड़ा जा सकता है जी, जी। देखिए, मैंने कहा कि व्यक्तित्व का बहुत ज्यादा इस पर प्रभाव होता है, हमारे परिवार का प्रभाव होता है और हमारे समाज का प्रभाव होता है जी। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति से इसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर इच्छा है और आप छोड़ना चाहते हैं, तो आप किसी मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक को संपर्क कर सकते हैं।
जो आपकी मदद कर सकता है इसमें। जी बिल्कुल, आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आपके जिले में अगर कोई जिला अस्पताल है, आपके आसपास कोई और बड़ा अस्पताल है तो आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, जिसमें डॉक्टर, चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक मिलकर आपको इससे बाहर निकलने में आपको मदद कर सकते हैं। देखिए, गुटखा खाने के तरीके भी बहुत सारे अलग अलग होते हैं, है ना। कई लोगों को आप देखते होंगे गुटखा मुंह में लेते रहते हैं और उसको थूक देते हैं, बहुत सारे लोग उसको निगलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह से आप उसको खा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे तीन तीन चार चार घंटे एक जगह उसको दबाए रखते हैं, है ना। तो इस पर डिपेंड, मैंने आपको बताया कि ये 4000 तरह के केमिकल्स, रसायनों का मिक्सचर होता है, और वो मिक्सचर जो है 10% से ज्यादा, यानी 40 से 50 उसमें ऐसे रसायन हैं जो आपके अंदर कैंसर पैदा कर सकते हैं। अगर आप उसको घोंट रहे हैं तब भी, आप उसको मुंह में दबा रहे हैं तब वो आपके लिए मुंह के कैंसर का कारण बन सकता है। अगर आप उसको घोंट रहे हैं, अंदर ले जा रहे हैं शरीर के, तो वो आपके अंदर जो इंटरनल हमारे ऑर्गन्स है, जैसे किडनी है, लीवर है, आंख है, इनके कैंसर को पैदा कर सकता है। ठीक है, तो किसी भी तरह के कैंसर को पैदा करने की प्रवृत्ति इसके अंदर होती है, लेकिन मुंह का, गले का, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंग हमारे, उसको चबाने में, उसको लेने में, उसको घोटने के बाद, उनके कैंसर होने की संभावनाएं बाकी अंगों से कहीं ज्यादा होती है। और आजकल देखा भी जा रहा है मैडम, मुख और गले के कैंसर गुटखा खाने वालों में ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल जी। और ये प्रूव्ड फैक्ट है, ऐसा नहीं है, शोध में ये चीजें सामने आ चुकी है। जी, धूम्रपान या शराब किस प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित करता है? कोई व्यक्ति यदि इस नशे को छोड़ना चाहता है तो कैसे छोड़ सकता है? कई सारे कारण होते हैं, तीन तौर पर कारणों को भी देख सकते हैं नशे के। ठीक वैसे यहाँ पर अगर हम विभाजित करें तो पहला तो मानसिक तौर पर प्रभावित होता है, दूसरा शारीरिक तौर पर प्रभावित होता है ना। मानसिक शारीरिक को अगर एक साथ देखें, उसको कुछ मानसिक समस्याएं, डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, ये सारी चीजें समस्याएं होने के चांसेस रहते हैं जब वो नशा करता है। तो शारीरिक तौर पर हमें सभी को पता है कि कैंसर है, लीवर से संबंधित समस्याएं हैं, किडनी से संबंधित समस्याएं हैं, हार्ट से संबंधित समस्याएं हैं, ये सारी चीजें होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। दूसरा है, नशा हमें पारिवारिक आर्थिक तौर पर बहुत प्रभावित करता है। परिवार में दूसरों से नशे की गिरफ्त में आने के बाद हमारी जो चेतना होती है वो आप कह सकते हो कि एक दूसरी अवस्था में चली जाती है। तो उसमें हमें अपने रिश्तों का ध्यान नहीं रहता है, किससे हम क्या कह रहे हैं, किससे हम क्या बात कर रहे हैं, तो इससे हमारे रिश्ते भी खराब होते हैं। हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है हमारे परिवार में, वो प्रभावित होता है। इसके अलावा आर्थिक तौर पर नशा बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि हमको पता है कि नशा किसी भी तरह का हो, उसको लेने के लिए, उसकी उपलब्धता निश्चित करने के लिए आपको पैसे खर्च करने होते हैं, तो ये आर्थिक रूप से प्रभावित करता है। इसके अलावा सामाजिक तौर पर भी नशा प्रभावित करता है। सामाजिक तौर में हम देखते हैं कि अगर हम नशे के आदि हैं और किसी खास तरह का नशा लेते हैं तो लोग हमसे बचना चाहते हैं, है ना। हमारे आसपास ऐसे लोगों का जमावड़ा हो जाता है जो वास्तव में उस नशे को ही लेना चाहते हैं। तो सामाजिक तौर पर भी हमारी जो इज्जत है, हमारी जो प्रतिष्ठा है हमारे समाज में, उसको भी नशा प्रभावित करता है। किसी को छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम ये माने कि नशा एक आदत नहीं है, नशा एक बीमारी है और इसके लिए अगर ये बीमारी है तो आपको एक चिकित्सक के पास जाना होगा, एक मनोचिकित्सक के पास जाना होगा। और इसके दो तरीके, पहला तो ये होता है कि अगर आप शारीरिक तौर पर उस नशे के आदि हो गए हैं, उस नशे पर निर्भर हो गए हैं, तो आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। जैसे अगर अल्कोहल की बात करें और आप एकदम से अगर शराब लेना छोड़ते हैं ना, तो आपका शरीर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होना और जो है कई बार बहुत ज्यादा, अगर आप नशे के आदि रहे हैं तो मिर्गी के दौरे तक पड़ते हैं अगर आप शराब को छोड़ देते हैं तब। जैसे आप लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो अगर इस शारीरिक निर्भरता को कम करने के लिए मनोचिकित्सक आपकी मदद कर सकता है। नशा मुक्त में भी आपको जो है ये सारे लोग मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम आपकी बहुत बार क्या होता है कि हम शारीरिक तौर पर निर्भर अभी नहीं हुए होते हैं, लेकिन हमारी मानसिक निर्भरता होती है। अब जैसे क्या होता है कि अगर मनोचिकित्सक आपको दवाइयों की मदद से शारीरिक निर्भरता या उससे होने वाले जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं, जो आपके अंदर शारीरिक लक्षण आ रहे हैं नशा छोड़ने के बाद, उनको अगर कम भी कर दे तो आपकी मानसिक निर्भरता कम नहीं होती है। आप जैसे ही उस चीज से संबंधित कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, आप उस चीज से, आप शराब की इवन अगर बॉटल देख लें या आप उन लोगों को देख लें जिन जिनके साथ आप शराब पिया करते थे, या कहीं भी अगर चीज से संबंधित आपके नजर में कुछ भी आ रहा है, आप उसको देखते हैं, तो आपका
इच्छा प्रबल होने लगती है उस नशे को लेने की जी। तो आपकी मानसिक निर्भरता को कम करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक आपकी सहायता कर सकता है जी। कि वो कैसे आप अपने आप को तैयार करें, अगर ये परिस्थितियां आती हैं आपके सामने तो कैसे ये सुनिश्चित करें कि आप उस परिस्थिति का सामना करेंगे और उस नशे की तरफ नहीं जाएंगे जी। तो ये एक डिसऑर्डर है, इसके लिए आपको चिकित्सक की हेल्प लेनी चाहिए, साथ में परिवार की भी बहुत भूमिका है। आपके परिवार का सहयोग, आपके आसपास के लोगों का सहयोग, आपके मित्रों का सहयोग नशा छोड़ने के लिए बहुत आवश्यक है जी। नशे की अगर हम बात करते हैं ना, तो हमारे व्यक्तित्व का उसमें बहुत जो है रोल होते हैं, उसकी भूमिका होती है हमारे व्यक्तित्व की, हमारा व्यक्तित्व कैसा है जी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो पूरे जीवन सोशल ड्रिंकिंग करते हैं लेकिन कभी नशे की आदत नहीं लगती है उनको। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोशल ड्रिंकिंग से शुरू करते हैं और दिन भर में कई बार लेना शुरू कर देते हैं नशा, तो बिल्कुल कम करके छोड़ सकते हैं। लेकिन वहाँ और लेकिन डिपेंड करता है कि आप नशा कौन सा ले रहे हैं जी, है ना जी। और उसकी नशे की तीव्रता या उसकी प्योरिटी कितनी थी जो आप ले रहे थे। जैसे अगर मान लो कोकेन की मैं बात करती हूँ ना जी, या ओपियोइड की मैं बात कर रही हूँ, अफीम की मैं बात कर रही हूँ, और बहुत प्योर फॉर्म में अगर आप उन चीजों को ले रहे हैं तो आपके लिए ये मुश्किल होगा, क्योंकि उसके विड्रॉल सिस्टम सिम्टम जो होते हैं ना जी, उसको छोड़ने के बाद आपके शरीर पर उसका जो प्रभाव होता है वो इतना ज्यादा दर्दनाक होता है कि आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। तो कुछ स्थितियों में ये पॉसिबल है कि आप धीरे धीरे कम करके अपने विल पावर की हेल्प से उसको छोड़ दें जी, लेकिन हर परिस्थिति में ये संभव नहीं। डॉक्टर प्रगति जी, गांव के रहने वाले लोग हैं वो भी कुछ नशा करते हैं, चूंकि बड़े शहरों में हॉस्पिटल में जा पाना संभव नहीं हो पाता, तो क्या गांव में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, वहां से नशा मुक्ति के संबंध में उनको कुछ मार्गदर्शन मिल सकता है? हाँ बिल्कुल मिल सकता है उनको जी। गांव में अगर हम बात करें तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ मनोचिकित्सा से संबंधित सेवाएं उपलब्ध हैं, जो कि सरकार के एक और अभियान जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो ये कार्यक्रम आते हैं उसके तहत आपको वहाँ पर मिलेंगे, तो वहाँ से आपको जरूर मदद मिल सकती है जी। डॉक्टर प्रगति जी, नशा मुक्त समाज बनाने में प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा कर सकता है, जैसे एक पिता, एक अध्यापक और एक सामान्य व्यक्ति? देखिए, हम पिता की बात करें, अध्यापक की बात करें या सामान्य व्यक्ति की बात करें, है ना, हम पारिवारिक इकाई से शुरू कर रहे हैं और समाज तक जा रहे हैं जी, तो वास्तव में इनकी काफी भूमिका है। पिता को अगर हम देखें तो पिता अपने बच्चे के सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है स्वयं को नशे से दूर रखते हुए और सृजनात्मक कार्यों में लगाते हुए, जो बच्चे के सामने एक रोल मॉडल के तौर पर हो कि वो ऐसा बनना चाहता है जी, कि जीवन को दिशा देते हुए वो एक बेहतर व्यक्ति का निर्माण कर सकता है पिता। अध्यापक को भी अगर हम देखें तो 8 घंटे से 10 घंटे बच्चा स्कूल में रहता है, तो वो अध्यापक को देख करके भी सीखता है कि उसका व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा है जी, वो क्या बातें हमको बता रहा है, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है जी। तो अध्यापक भी इसमें भूमिका निभा सकता है, बच्चों को बेहतर तरीके से इस बात के लिए दिशा निर्देश देते हुए कि कैसे ये चीज हानिकारक हो सकती है, और दूसरी आपके भविष्य में आपके लिए क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं, ये जो है उसको मार्गदर्शन देकर के, एक मार्गदर्शक के तौर पर जी। समाज की भी बहुत भूमिका होती है, समाज का जो माहौल होता है, आसपास का जो हमारा वातावरण होता है उसका भी बहुत रोल होता है। हर व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी लेता है तो एक बेहतर समाज का निर्माण होता है जी। आप कह सकते हो कि व्यक्ति अपने आप को इन चीजों से अलग रखकर इनमें न निर्लिप्त करते हुए एक बेहतर समाज के निर्माण के तौर पर एक उदाहरण रख सकता है किसी भी बच्चे के सामने कि ये एक बेहतर जीवन शैली है, और अगर आप नहीं इसको अपनाते हो तो ये नुकसान हो सकते हैं जी। क्योंकि समाज में आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जिन पे नशे का हानिकारक प्रभाव को आप देख सकते हैं, तो सकारात्मक और नकारात्मक चीजों का उदाहरण के तौर पर रखकर समाज जो है हमें या बच्चे को नशे से दूर रखने की प्रेरणा दे सकता है जी। डॉक्टर प्रगति जी, प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है घर के बड़े व्यक्ति तो नशा करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, परंतु घर के यही बड़े व्यक्ति, चाहे पिता हो, चाचा हो, छोटे बच्चों से नशे का सामान दुकानों से खरीद कर लाने के लिए भेजते हैं और छोटे बच्चों को भी नशे का सामान दे देते हैं। यह मनोवृत्ति अच्छी नहीं है, चिकित्सकीय भाषा में आप इसे किस तरह से देखते हैं?
हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। और जब हम बच्चों को बड़ा कर रहे होते हैं ना, जब वो विकासात्मक दौर में हैं अपने जी, तब ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम उनको क्या सिखा रहे हैं और क्या बता रहे हैं, है ना जी। बहुत बार क्या होता है कि हम बच्चों को ये बताते तो रहते हैं कि नशा अच्छी चीज नहीं होती है, या सिगरेट पीना या बीड़ी पीना या तंबाकू लेना ये चीजें अच्छी नहीं होती है, लेकिन हम स्वयं लेते हैं और उस बच्चे को जी। आप कह सकते हो कि इनडायरेक्ट तौर पर हम बच्चे को उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, इस तरीके से कि हम उससे सिगरेट मंगा रहे हैं, हम उससे गुटखा खरीद करके मंगा रहे हैं और उसके सामने ही पी रहे हैं उन चीजों। तो इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। बच्चा एक तो आनुवंशिक तौर पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि इस चीज की तरफ जाने के लिए प्रेरित तो होता ही है, साथ में वातावरण भी आप उसको ऐसा दे रहे हो कि वो नशे की तरफ जाने के लिए प्रेरित हो जाए, है ना। क्योंकि कभी ना कभी उसके अंदर ये इच्छा जरूर जागृत होगी ये चीजें लेते हुए कि मेरे पिताजी तो ले ही रहे हैं और मैं लेके जा रहा हूँ, तो लाओ मैं भी लेना शुरू कर देता हूँ। तो अच्छी चीजें और बुरी चीजें दोनों ही इस तरीके से सीखी जाती है। कहीं ना कहीं हम उसको सिखा रहे हैं और ये जो है इनडायरेक्ट तौर पर हम उसको सिखा दे रहे हैं, क्योंकि हमें तो लगता है कि हम बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, हम अच्छे जगह पर रह रहे हैं जहां आसपास कोई भी इस तरह के लोग नशा नहीं करते हैं जी। लेकिन हम फिर भी बच्चे को इन्वॉल्व कर रहे हैं और कुछ सालों बाद वो सारी आदतें बच्चे के अंदर अपने आप ठीक करके आपसे आ जाएंगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि बच्चा कब ये चीजें सीख गया। इस तरह की प्रवृत्ति को बिल्कुल हम लोगों को रोकना चाहिए और हमें जरूर ध्यान देना चाहिए कि ये तो बहुत अच्छा है कि अगर हम इन चीजों को नहीं लें, और अगर ले भी रहे हैं और आप अपने बच्चों को अगर इस चीज से दूर रखना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप घर से बाहर लें, बच्चों को किसी भी तरीके से इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश न करें, क्योंकि ये उसका लर्निंग फेज है, उसके व्यक्तित्व के विकास का समय है। और इस समय पर आप ये उदाहरण अगर उसके सामने प्रस्तुत करेंगे तो बहुत हद तक जी। जो है ये निर्धारित होगा कि बच्चा आगे जीवन में अपने नशा किसी भी तरह के नशे की तरफ जा सकता है। आपके लिए शायद वो पान गुटखा या सिगरेट तंबाकू है, उसके लिए और हायर लेवल के चीजें हो सकती हैं जी। डॉक्टर प्रगति जी, किरण हेल्पलाइन नंबर क्या है? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की 24 घंटे की एक मानसिक स्वास्थ्य सेवा से संबंधित, पुनर्वास से संबंधित हेल्पलाइन जो है शुरू की गई है 7 सितंबर 2020 को जी। जिसको किरण का नाम दिया गया है। किरण जो हेल्पलाइन है इसका नंबर भी मैं आप लोगों को नोट कराना चाहूंगी जी। नंबर है जी 1800599001 9। यह जो हेल्पलाइन है 24 घंटे सातों दिन काम करती है और इसमें हम मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जी, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, आपको कोई मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्या है, आपको नशे को लेकर किसी तरह की समस्या है, तो उन सारी चीजों के निदान के लिए हमारे विशेषज्ञ उपस्थित रहते हैं। यह 13 भाषाओं में इस समय उपलब्ध है। डॉक्टर प्रगति जी, नशा मुक्ति के संबंध में हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।